सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेंगे बेला भाई के बारे में। सो बेसिकली बेला भाई अपने स्टोरी पे लिखे थे गुड म्यूजिक सून, और उसके बाद बेला भाई ने एक रील को अपने स्टोरी पे रीशेयर करे थे, जिसके अंदर बेसिकली डिवाइन भाई, बेला भाई और कृष्णा भाई का एक कोलैब ट्रैक था। कोलैब मतलब किसी ने रिमिक्स करके डाले थे। अभी देखते हैं ऐसा असली ट्रैक कब तक देखने को मिलता है हम सभी को। तो चलिए बात कर लेंगे बादशाह भाई के बारे में। सो बेसिकली बादशाह भाई का जो ट्रैक था गेंदा फूल, उस ट्रैक ने यूट्यूब के अंदर 1 बिलियन व्यूज पार कर लिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बात है। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं बादशाह भाई। और आप लोग जानते हो आज 7 बजे से हसल का सीजन 4 शुरू होने वाला है। तो हसल की तरफ से 2 वीडियो आया है, जिस प्रोमो के अंदर जो हसल का होस्ट है उन लोगों ने कुछ ऐसा कहता है, आप लोग खुद ही सुन लो। 2 सीजन के बाद वापस आए रफ्तार भाई को देख के इतनी होप मिल रही है, लग रहा है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग का कमबैक तो हो रहा है। ईपीआर भाई को मालूम है के वो लम्हे में कौन से लम्हों की बात हो रही है। ईपीआर भाई को विक्टोरिया का सीक्रेट भी पता है। ईपीआर भाई को पता है कि ब्राउन रंग एक्चुअली में किसने लिखा। तो इस सब पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर कहना। तो चलिए बात कर लेंगे हिप हॉप कंटेंट क्रिएटर रोहन करियप्पा भाई के बारे में। सो बेसिकली रोहन करियप्पा भाई कुछ ऐसा कहा है एमी भाई के बारे में, आप लोग खुद ही देख लो। What can I learn from Emibae's art? Now this is a question and the most generic and cliched answer would be ki bhai discipline and consistency seekho, but I'll give you something else. Mere hisab se Emibae ne jo bahut acha kaam kiya hai is over the years he's gone inside a studio and he's experimented with different vocal tones. As a rapper vocals aapke instrument ki tarah hai, and jitni achhi tarah aap apne instrument ko janoge utni achhi tarah aap usko play kar paoge. Kuch vocal tones aapko suit karenge, kuch nahi karenge, but your job is to experiment. Utna hi hard independent artist mein कौन क्या सोचे मुझे फर्क नहीं, मेरे अपनों को मालूम मैं क्या हूँ। इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि उसके पास आज की डेट में कम से कम 5 या 6 वोकल टोन्स हैं जिन पे वो गाने बना सकता है। अगर आपके पास भी DHH रिलेटेड कोई ऐसे सवाल है तो पुट देम डाउन इन कमेंट्स बिलो। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर जितने भी पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना। तो इस वीडियो में तो इतने ही, मिलता है एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।